I didn't. गेम को इंस्टॉल करने से पहले आपको एक एप्लीकेशन जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है CPU Jet, जिसे प्ले स्टोर से जो है इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर सर्च करिए और इसको इंस्टॉल कर लीजिए, फिर ओपन कर लेना है इस तरह से। यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है आपके फ़ोन की स्पेसिफिकेशन वगैरह जो है यहाँ पर बताता है। तो यहाँ पर जो GPU है आपका बता देगा कि कौन सा है। तो यहाँ पर GPU रेंडरर में मेरा एड्रिनो बता रहा है। आपका अगर माली बताए या PowerVR या टेगरा तो उसी का आपको जो है डेटा और APK डाउनलोड करना है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए, नहीं तो गेम शायद नहीं काम करे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ से आपको जो है गेम डाउनलोड कर लेना है अगर आपके पास नहीं है गेम। तो यहाँ पर आने के बाद जो है आपको डाउनलोड लिंक्स में यहाँ पर सारी APK और डाटा मिल जाए, मतलब वो VV जो है फाइल मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं एड्रिनो का डाउनलोड करूँगा क्योंकि मेरा GPU एड्रिनो है। आपका अगर जो है जो आपका जो GPU है दूसरा कोई है, माली है या फिर टेगरा है, PowerVR है, तो उसका ही APK और जो है OBV फाइल को डाउनलोड करना है, ठीक है। अब जो है डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ से, आप चाहे मोड करें चाहे नॉर्मल, दोनों भी चल जाएंगे, ठीक है, तो आपकी मर्जी है। तो चलते हैं इंस्टॉल करने के लिए। तो हमारा OBV फाइल जिप फाइल में है, तो उसको निकालने के लिए हमें Z आर्काइवर की मदद लेनी पड़ेगी। तो इसको जो है एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इसी तरह से सर्च करके डाउनलोड कर लीजिए, मतलब इंस्टॉल कर लीजिएगा और यहाँ पर ओपन कर लेना है इस तरह से। और जाना है उस फोल्डर में जहाँ पर किया है फाइल को डाउनलोड। तो यहाँ पर मैंने इस फोल्डर में जो है डाउनलोड किया है, तो इसको ओपन कर लिया और यहाँ पर देख सकते हैं दो APK हैं, मोड और नॉर्मल। तो आप कोई भी इंस्टॉल करिएगा। यहाँ पर OBV फाइल है जो कि सबसे नीचे है, उसको जो है आपको एक्सट्रैक्ट करना है। तो इस पर जो है आपको टैप करना है, तो कुछ ऑप्शन आपको मिल जाएगा इस तरह से। यहाँ पर एक्सट्रैक्ट डॉट 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 उस पर टैप करेंगे और यहाँ पर एरो टैप करके जो है बाहर आ जाना है फोल्डर से और जाना है ऊपर आपको एंड्रॉयड के फोल्डर में, ठीक है। यहाँ पर एंड्रॉयड फोल्डर और यहाँ पर OBV का फोल्डर और यहाँ पर पेस्ट के आइकन पर टैप करके जो है पेस्ट कर देना है आपको फाइल। फिर यहाँ पर जो है एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, फाइल जो है एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब चलते हैं बाहर फोल्डर से एरो टैप करके और यहाँ पर अब जाना है उसी फोल्डर में जहाँ पर मैंने किया है फाइल को डाउनलोड। तो यहाँ पर जो है कि फोल्डर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है आपको APK को इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर मैं मोड APK करता हूँ, आप चाहे तो नॉर्मल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है APK हमारा जो है इंस्टॉल हो चुका है। अब चलते हैं गेम को ओपन करते हैं। अब यहाँ पर मैं जो है गेम को ओपन करता हूँ बिना कोई इंटरनेट कनेक्शन के, क्योंकि ऑफलाइन गेम है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फोर्स क्लोज हो चुका है गेम। तो यहाँ पर चलते हैं अब जो है BMOS को इंस्टॉल करते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। तो एक एप्लीकेशन है जिसकी मदद से पुराने गेम्स वगैरह जो है चल जाते हैं, आपके फ़ोन में दो अकाउंट हो जाता है और रिसोर्सन वगैरह भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है डाउनलोड लिंक है, तो सेकंड वाला जो BMOS आपको करना है क्योंकि वो छोटा है और प्रो वर्जन भी है, वो बड़ा साइज में आता है। तो यहाँ पर जो है डाउनलोड जो है APK वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे ऑफिसर साइट पर। तो वहाँ पर दो ऑप्शन होंगे, तो BMOS को आपको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आ जाएंगे। तो यहाँ पर नहीं हो रहा है डाउनलोड, तो आपको मोबाइल जो है सीधा करना होगा। जब आप सीधा करेंगे तो ऊपर ही आपको डाउनलोड लिंक से जो है दिखाई देगी इस तरह से। आपको पहले ही जो ऐसे मैंने मोबाइल फ़ोन किया था तो नहीं दिखाई दे रहे थे। तो यहाँ पर जो है आपको BMOS सेकेंड वाला जो है डाउनलोड करने पर जो है क्लिक कर देना है, तो आपका जो है APK डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा जो कि 300 MB के आसपास होगा उसकी साइज। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लिक किया और यहाँ पर इस तरह से मतलब डाउनलोड के लिए बोल रहा है। तो मैं कैंसिल कर दूंगा क्योंकि मैंने पहले ही इसको डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब यहाँ से बैक हो जाइए और यहाँ पर जो है BMOS अनलॉकर जो है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे कि आपका जो है वो मांगता है डाउनलोड करने के लिए, मतलब आपसे कहेगा कि भाई BMOS अनलॉकर। तो वो प्ले स्टोर पर जो है आपको नहीं मिलेगा, जो कि एक एप्लीकेशन है कैलकुलेटर, ठीक है। तो इस तरह से आपको डाउनलोड कर लेना है। अब जो है इसके लिंक भी आपको दे दिया हूँ। अब जो है चलते हैं इंस्टॉल करने के लिए।
अब जो है यहाँ पर आ चुके हैं फिर से जेड आर्काइवर एप्लीकेशन में। तो अब जो है जेड आर्काइवर एप्लीकेशन में आने के बाद जो है आपको जो चीज़ें हैं डाउनलोड की है उसको इंस्टॉल कर लेना है। इस फोल्डर में मैंने रखा है, तो यहाँ पर जो है बीमॉस को जो है इंस्टॉल कर लेता हूँ पहले, जो कि ऊपर है, और इसके बाद जो है आप अनलॉकर को इंस्टॉल कर सकते हैं अभी फिर, या फिर उसको बाद में इंस्टॉल कर सकते हैं जब आप मतलब कि जो ये मतलब बीमॉस इंस्टॉल होने के बाद, क्योंकि ये ज़रूर इंस्टॉल करना होगा। फ़िलहाल जो है पहले नहीं मांगता था, लेकिन अब मांगता है कि बीमॉस अनलॉकर चाहिए। हमारा बीमॉस जो है इंस्टॉल हो चुका है, अब जो है बीमॉस अनलॉकर को जो है इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है इंस्टॉल कर लेता हूँ, तो ये काफ़ी छोटा एप्लीकेशन है, तुरंत ही इंस्टॉल हो जाएगा। तो अब जो है इंस्टॉल हो चुका है हमारा बीमॉस अनलॉकर, तो अब चलते हैं हम लोग इसको जो है बीमॉस को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं, तो यहाँ पर जो है बीमॉस को जो है ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर जो है कोई इंटरनेट कनेक्शन वगैरह नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो है एप्लीकेशन ऑफलाइन है फिलहाल। तो ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर जो है इंस्टॉल मतलब कि इस तरह से जो है ऑप्शन वगैरह जो है करना होता है। तो एक बार जो है मतलब इस तरह से परमिशन वगैरह मांगता है पहली बार, और काफ़ी समय जो है आपके फ़ोन में इंस्टॉल होता है एक बार फिर से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सारे परमिशन मैं दे देता हूँ, जो भी आपको सही लगे वो दे दीजिएगा, और कुछ ज़रूरी भी इस एप्लीकेशन के लिए है चलने के लिए। तो यहाँ पर सारे परमिशन दे दिए, और यहाँ पर जो है ऑफलाइन इंस्टॉल होगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, आपके फ़ोन में कम या ज़्यादा लग सकता है। तो यहाँ पर जो है पहला इंस्टॉलेशन है, इसके बाद फिर से होगा थोड़ा मतलब और समय लगेगा। तो यहाँ पर जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा आ चुका है इंटरफेस। तो यहाँ पर नहीं कुछ बोला, अगर बोलता है तो आप कैलकुलेटर को जो है ओपन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन मोबाइल के अंदर एक और मोबाइल बन जाता है, ठीक है। तो आपको दिखा देता हूँ कि कैलकुलेटर जो है इस तरह से आप ओपन कर देंगे, अगर नहीं काम करता है तो कुछ अब इस तरह से जो है जोड़ दीजिए या कुछ टाइप कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ, अगर नहीं काम करता है तो, अगर काम करता है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको जो है फिर से ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो है चलते हैं फाइल मैनेजर में। यहाँ पर आने के बाद जो है आपको ओपन करना है, और इसको जो है इंपोर्ट जो है ऑप्शन पर टैप करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शन मतलब मिल जाएंगे इस तरह से, मतलब एप्लीकेशन वगैरह। तो यहाँ से जो एप्लीकेशन है हमारा जो गेम है हॉर्न, उसको जो है नीचे आपको स्क्रॉल करना है तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हॉर्न मिल चुका है, इस पर टैप करेंगे और इस तरह से इंपोर्ट के ऑप्शन पर टैप करेंगे तो आपका इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा इस तरह से। तो हमारा जो है शुरू हो चुका है, तो इसमें थोड़ा समय लगेगा। तो यहाँ पर हमारा जो है इंस्टॉल हो चुका है, मतलब इंपोर्ट हो चुका है इसमें। तो अब यहाँ से चलते हैं बैक, ठीक है, जो बैक बटन है इस पर टैप करके, ठीक है। तो यहाँ से बैक हो जाएंगे, तो फिर से बैक और फिर से बैक। तो यहाँ पर हमारा गेम आ चुका है, और बाहर भी आ जाएगा ऊपर भी। तो यहाँ पर जो है गेम को ओपन करते हैं, तो यहाँ पर मैं ओपन कर देता हूँ सीधा से। यहाँ पर जो है कटसीन वगैरह जो है आएगा, और जो चीज़ें हैं मतलब कि इंट्रो वगैरह वो बताएगा। तो अनरियल इंजन पर भी बनाया गया है गेम। तो यहाँ पर देख सकते हैं कटसीन आया, तो इसको जो है मैं हटा दूँगा क्योंकि लंबा थोड़ा चलता है। तो यहाँ पर चल रहा है, तो इस तरह से बताता है गेम के बारे में। तो यहाँ पर आवाज़ हमारा कम था तो इसको बढ़ा लेते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से इंट्रो वगैरह है। तो इसको जो है आप देख सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट का बटन है, तो इस पर जो है टैप करेंगे, और यहाँ पर न्यू जो है एडवेंचर सेलेक्ट करते हैं, स्टोरी मोड को खेलते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है गेम देख लेते हैं, तो यहाँ पर शुरू हो चुका है हमारा गेम। अब जो है यहाँ पर जो है कटसीन वगैरह बताएगा कि इसकी स्टोरी के बारे में, तो यहाँ पर थोड़ा समय लगेगा, और इसको स्किप कर देता हूँ और चलते हैं गेम की तरफ। तो यहाँ पर कटसीन है, तो कटसीन में बताएगा जो हमारा गेम स्टोरी है, मतलब जो हमारा कैरेक्टर वो गिरा पड़ा है, तो इसमें बता दिखा रहा है। तो इसको होश आ चुका है, अब देखते हैं कि कहाँ जाना है। तो ये जो है गेम पर, इसमें जो है जॉयस्टिक कंट्रोल ऐसे नहीं है, तो आपको टैप करके या स्वाइप करके जो है खेलना है, मतलब आपको स्क्रॉल करके ऐसे जो होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ सामने है, तो उसको शायद उठाना है। तो अभी कटसीन चल रहा है, और सामने तरफ जो लाइट है, ग्राफिक्स काफ़ी बढ़िया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर
सारी चीज़ें इस तरह से हैं। तो यहाँ पर सामने की तरफ जो है कुछ दिखाया, तो यहाँ पर देख लेते हैं, मतलब इधर उधर करके देख लिया, तो यहाँ पर टैप करके उठा लिया। तो यहाँ पर 360 व्यू आप कर सकते हैं कहीं पर भी। तो यहाँ पर सामने की तरफ जो है इसे कुछ दिखाई दिया, तो वहाँ पर जो है जाने के लिए टैप करेंगे तो पहुँच जाएंगे। तो दौड़ कर जो है मतलब ये जाएगा, तो यहाँ पर टैप करते हैं। तो यहाँ पर इसे कुछ मिला, शायद तलवार है या कुछ ऐसा ही, तो इसको जो है निकाल लेता है। तो ये ऑटोमेटिक है, यहाँ पर कटसीन है, ठीक है, सिंपल सा। और इसको मिल चुका है हथियार। अब चलते हैं आगे की तरफ, तो इसको दरवाजे को खोलते हैं, तो ये ऑटोमेटिक खुल गया है। तो यहाँ पर सामने की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं किसी भी तरफ। तो काफ़ी बढ़िया गेम है और जा भी सकते हैं। तो यहाँ पर शायद इसको काटना है, तो यहाँ पर टैप किया, तो स्वाइप शायद करना है, तो स्वाइप करते हैं। तो यहाँ पर स्वाइप किया, हाँ, फिर ज़्यादा जल्दी जल्दी स्वाइप करना है, ठीक है। तो यहाँ पर काट दिया, सामने की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सामने की तरफ कई चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जंप वगैरह करना है, और तो सामने की तरफ जो है ये नीचे उतरना था, और सामने की तरफ जो है एक रोबोट बहुत बड़ा है। तो सामने की तरफ चलते हैं, तो रोबोट के पीछे मतलब, और ये जो है यहाँ पर जंप करना है और फिर से जाना है आगे की तरफ। तो यहाँ पर फिर से जाना है आगे की तरफ, और यहाँ पर ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे तो ये पकड़ लेगा और ऊपर चढ़ जाएगा। और फिर चलते हैं आगे की तरफ, तो दौड़ते हुए यहाँ पर जो बंदा है इस चीज़ को, जो उड़ते हुए चीज़ को शूट करता है, तो देख सकते हैं इस तरह से जो चीज़ है उसको शूट कर रहा है। तो इसके अंदर एक चिड़िया निकलती है अभी, तो यहाँ पर दो तीन वार किया और एक जो है अभी सटीक के निशाने पर लगेगा, तो यहाँ पर लग चुका है। तो अब जो है ये गिर चुका है, इसमें से चिड़िया निकल चुकी है, और यहाँ पर हम लोग इसके पीछे जाएंगे और इससे बातें वगैरह करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब इधर उधर मैं देख कर आगे की तरफ चलता हूँ, तो सामने की तरफ जो है रोबोट हमारा मिल चुका है। तो यहाँ से यहाँ पर इससे बातें वगैरह जो है करना है, तो ये बता रहा है कुछ, तो कुछ बता रहा है, तो इसको जो स्किप कर देता हूँ मैं, काफ़ी समय तक बात करेगा इसलिए, तो इसको जो है मैं स्किप कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है हमें फाइट करनी है, तो अटैक करता है, तो सिंपल सा यहाँ पर जो है अटैक कर रहा है, तो यहाँ पर हमें जो है इधर उधर मतलब ऐसे ऐसे जो साइड में दिया है इसको, इससे जो है आपको इधर उधर घूमना है और अटैक करना है, ठीक है। और इसमें जो है पोशन वगैरह है, तो उसको जो है लेना है, अभी मिलेगा थोड़ी देर समय बाद। तो अभी जो अटैक कर रहा है ये, तो मतलब आपको मार खाना है, तो यहाँ पर पोषण जो है बता रहा है, उसको जो है टैप करना है। तो यहाँ पर टैप किया और देख सकते हैं वापस से हेल्थ फुल हो चुका है, और अब जो है ये फल जो है उससे अटैक करना है। अब जो है इसको स्वाइप करके मारना है जल्दी जल्दी, तो काफ़ी तेज़ी से ये मर जाएगा। तो यहाँ पर ब्लॉक करने लगा, तो यहाँ पर फाइनली इसका मुड़ी जो है उड़ा देते हैं और काम इसका ख़त्म हो चुका है। तो अब जो है आगे तक बढ़ते हैं, तो हमारा जो है पहला जो है रोबोट को मार दिया, अगला मिशन जो है कुछ और है, मतलब आगे बढ़ते जाएंगे और नए नए लेवल्स मतलब मिशन मिलते जाएंगे। तो यहाँ पर जो है मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ, और आगे मैं बताना चाहता हूँ कि आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, जो पहले इंस्टॉल किया था गेम, और गेमॉस में रहने दीजिएगा, तब भी आप गेम को प्ले कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ, और गेमॉस में जो गेम है आपका चले